वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता चेतन सहनी की जान ले ली गई है। जी हां, कहा जा रहा है कि उन्हीं के घर में उनकी जान ली गई है। इस बात की पुष्टि दरभंगा के एसएसपी ने की है। जैसे ही कि घटना के बारे में पता चला तो ये खबर आग की तरह पूरे बिहार में क्या पूरे देश में फैल रही है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया भी हैं। दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल स्थित अफजल्ला पंचायत के सुपौल बाजार स्थित उनके पैतृक घर में उनकी गोली मारकर बड़ी बेरहमी से जान ले ली गई है। जानकारी के मुताबिक एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इस घटना के बारे में बताया है। उन्होंने जीतन साहनी की जान जाने की पुष्टि भी की है। पुलिस मौके पर है। जीतन साहनी के घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। इस घटना के बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी बड़ी ही बेरहमी से जान ली गई है। तो वहीं अब तक इस जान लेने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि निजी रंजिश के चलते शायद इस कांड को अंजाम दिया गया हो। मुकेश सहनी बिहार में मल्लाहों के बड़े नेता कहे जाते हैं। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑस्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई है।